संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में कश्मीर मुद्दे पर बंद कमरे में चर्चा होगी। पाकिस्तान की गुहार पर चीन ने इसकी पहल की है, जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से एक है। पाकिस्तान इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहा है, लेकिन असलियत ये है कि यूएनएससी की पूर्ण या औपचारिक बैठक नहीं है। चर्चा पूरी तरह अनौपचारिक है, जिसका कोई रिकॉर्ड तक नहीं रखा जाता। इस बातचीत में सुरक्षा परिषद के सभी 5 स्थायी और 10 अस्थायी यानी सभी 15 सदस्य देशों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान इस बैठक को बड़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रहा है। उसका कहना है कि कश्मीर मुद्दे पर 40 साल बाद यूएनएससी चर्चा करने पर राजी हुआ है। किसी भी देश का अंदरूनी मामला ये यूएनएससी का एजेंडा कैसे हो सकता है? चाइना ये सिर्फ यूएनएससी में हमारे अनुच्छेद 370 के निकाले जाने का इशू इसीलिए ला रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने उसके ऊपर प्रेशर डाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि आप इस इशू को यूएनएससी में डिस्कस करवाइए। एक तरह से चाइना लॉलीपॉप दे रहा है पाकिस्तान को कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम ये कर देते हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के दौरान अपने प्रतिनिधि की मौजूदगी और विचार रखने की इजाजत मांगी थी, लेकिन उसे यह अनुमति नहीं मिली। सुरक्षा परिषद की इस तरह की औपचारिक बैठक तभी बुलाई जा सकती है जब उसके कुल 15 से कम 9 सदस्य देश इस प्रस्ताव से राजी हों। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अभी पोलैंड के पास है। चीन ने पोलैंड से पाकिस्तानी प्रतिनिधि की मौजूदगी में काउंसिल की औपचारिक मीटिंग की मांग की थी, लेकिन वो इसके लिए सदस्य देशों की सहमति नहीं जुटा पाया। लिहाजा चीन की पहल पर अब बंद कमरे में एक अनौपचारिक बैठक होगी। कश्मीर पर सुरक्षा परिषद ने इस तरह की अनौपचारिक बैठक आखिरी बार 1971 में बुलाई थी। वहीं सुरक्षा परिषद की कश्मीर मुद्दे पर आखिरी औपचारिक या पूर्ण बैठक 1965 में हुई थी। आज की बैठक औपचारिक या पूर्ण बैठक नहीं है। अब इनकी कोशिश ये होगी कि भारत के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास हो या कुछ इस तरह का, वो इनको नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर कुछ इस तरह की बात हुई तो बहुत से कंट्रीज उसको वीटो कर देंगे, एक नहीं बल्कि कई कंट्रीज जो हैं परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इसलिए कि सभी सिक्योरिटी मेंबर्स का जो स्टेटमेंट आया है 370 को लेके या कश्मीर को लेके, सबने एक ही चीज़ कही है कि ये दो पक्षीय मामला है, आपस में ये लोग बातचीत करें, हिंदुस्तान का इंटरनल मैटर है। अनौपचारिक बैठकों में हुई पूरी बातचीत का ब्यौरा या दूसरी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जाती है, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ सामने रखे मुद्दों पर सदस्यों को अनौपचारिक तौर पर बात करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। इसमें सिर्फ विचारों का आदान प्रदान होता है और बातचीत का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। ऐसी बैठकों में किसी औपचारिक फैसले पर भी नहीं पहुंचा जाता। ब्यूरो रिपोर्ट।